सही गुणवत्ता वाला चाहिए और सही दाम पर चाहिए, ये सारे बात हो चुका है। और ये अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और चीजें वो सब बात हो चुका है और ये होना चाहिए। क्या हम कर पा रहे हैं? कुछ राज्यों में कई हद तक कर रहे हैं, यद्यपि 100% नहीं हो रहा है, बट मेजोरिटी राज्यों में नहीं हो पा रहा, मेजोरिटी राज्यों में नहीं हो पा रहा। समस्या क्या है? सर्टनली जो व्यवस्था हम बना दिए हैं अब, वो व्यवस्था ही जिम्मेवार है। हमने अभी टेंडर करते हैं, कई राज्यों में टेंडर करके अपने बीच खरीदने कोशिश कर रहे हैं। हमारा उत्पादन जो क्षमता था, जो व्यवस्था था, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है और जिस व्यवस्था के ऊपर हम निर्भर करते हैं वो व्यवस्था फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बन पाया है, ये सच है। और इसलिए जो सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, सही समय, ये सब जो आवश्यकता है किसान के पास पहुंचाने का, वो नहीं हो पा रहा है कई राज्यों में। और राज्यवार देखेंगे उसमें काफी विभिन्नता और वेरिएशन है, काफी वेरिएशन है। कुछ राज्य अच्छा कर रहे, कुछ राज्य अच्छा नहीं कर पा। तो ये एक देखने वाली बात है कि राज्य सरकार के तरफ से कहां कहां कमियां हैं, जो ये सिस्टम जो बना हुआ था उसका फायदा क्यों नहीं होता। मेरे ख्याल में किसान संघ के तरफ से हो और बाकी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, उनके तरफ से ये सुझाव आना चाहिए स्टडी करते हुए कि क्या वहां क्या निदान की आवश्यकता है। हम जानते हैं थोड़ा बहुत, हमारे एक्सपर्ट आएंगे तो थोड़ा बहुत उसमें योगदान करेंगे, ये जो दिशा है इसको और स्टडी करने की आवश्यकता। क्या हम कोऑपरेटिव जो बात किया गया, मध्य प्रदेश डॉक्टर राव है और एक जो चालू किए थे किसान कर, हमने जब सियाराणी में थे किसान के खेत में उत्पादन करना शुरू किए थे, पहला साल छोटे पैमाने पर करना शुरू किया थे, 30 एकड़ में कराए और किसान को प्रशिक्षण दिए, प्रशिक्षण की बात हो रहा था। जब कुलकर्णी साहब आए थे मैं इसी की बात कर रहा था, वो बोले कि इसके ऊपर तो चर्चा होना चाहिए, भारत सरकार का व्यवस्था बनना चाहिए। कि सीड विलेज बहुत पुराना कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? समस्या यह है कि हम व्यवस्था तो बनाते हैं, अभी नया पॉलिसी आ जाएगा, नया चीजें बन जाएंगे, तरीके बन जाएंगे, लेकिन हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड ग्रास रूट लेवल। समस्या ज्यादातर मेरे जो स्टडी ऑब्जर्वेशन है पूरे देश में घूम रहा हूं, समस्या ज्यादातर वहां है। अभी एक उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा, पराली जला रहे हैं, 2 साल से ये चर्चा चला कि पराली जला रहे हैं और इतना बढ़िया सलूशन है कि उसका अगर यांत्रिकरण क्या कर दिया जाए, मशीनें उपलब्ध करा दिया जाए, तो किसान और पराली नहीं जलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे और जो आप अनुसार की बात कर रहे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है और चीजें हैं और वो सारे जो है भरपाई हो जाएगी, कार्बन कम हो रहा है, चौधरी साहब अभी बोल रहे थे बहुत सच है। हमने 1152 करोड़ का एक प्रोग्राम बनाए और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से ही इसका शुरुआत किया गया, अपने 2-2 बार प्रेजेंटेशन कराए, प्रोजेक्ट बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो क्या कम हो गया? किसान भाई जो पहले बहुत सारे मास मूवमेंट के तौर पे आ रहा था कि नहीं नहीं ये जो है अगर ये मशीन आ जाएगा तो समाधान हो जाए, और वो नहीं, पिछले साल से इस साल जो अगर नंबर ऑफ इवेंट अगर काउंट करेंगे मात्र 10% कम हुआ है, 10% कम हुआ है। और सामूहिक रूप से किसान भाई जलाए, प्रतिबद्धता के साथ जलाए। तो और मैं तो कई किसान भाइयों के साथ खुद जाके इंटरेक्ट किया हूं और निवेदन किया हूं, रिक्वेस्ट किया हूं, हर जगह तो हिसार हो, लुधियाना हो, कई जगह में गया हूं, करनाल हो, कई जगह गया हूं। और एक कोई 2-4 किसान भाई नहीं, हजारों संख्या में किसान भाई आए थे और कई किसान भाई किए भी, ये नहीं कि मशीन यूज इस्तेमाल करते हुए और नहीं चलाए, किए भी, ऐसे नहीं कि नहीं। और अभी
अभी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों सरकार बोल रही है हरियाणा पंजाब की कि हमारा जो है जितने एरिया में जलाना चाहिए वो कम हो गया है, वो हिसाब हम कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स जो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है 10% मात्र कम हुआ, और ये है। तो हमें जब हम किसान भाई को सम्मान करते हैं तो ये एक दिशा है जो देखने वाला है। मेरा तो निवेदन आज भी रहेगा, किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भारतीय किसान संघ की कार्यकर्ता उपस्थित हैं, तो ये जो है इशू, इसको थोड़ा सा मेरे अनुरोध ये रहेगा कि थोड़ा देखिए कि कहाँ गैप है। क्या हम 100 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा देंगे तो वो समाधान होगा? अगर वो बढ़ाएंगे, क्या खाली पंजाब हरियाणा के लिए बढ़ाएंगे, बाकी प्रदेश के लिए नहीं बढ़ाएंगे? तो बढ़ाएंगे तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? क्या वही समाधान है या और कोई समाधान है? तो ये अगर आप लोग हमें सुझाव देंगे, मैं समझता हूं उसका भी एक बहुत बड़ा, ये हमारे देश देख रहा है प्रदूषण से बहुत बड़ा समस्या है। और ये मैं बोल रहा था ग्रास रूट लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन पे जहां गैप है उसकी बात कर रहा था। पॉलिसी है, स्कीम बन गया, पैसा की प्रावधान कर दिया गया, सब्सिडी 80% तक दे दिया गया, 50% तक इंडिविजुअल फार्मर को दे दिया गया, 80% तक सब्सिडी कस्टमाइजिंग सेंटर को, और सारे मशीनें जितना आवश्यक थे ज्यादातर उपलब्ध कर दिया गया, करा दिया गया। तो ये करने के बाद ये स्थिति है। तो कहां गैप है, अंतिम जो स्तर है, लेवल है, वहां कहां गैप रहा कि हमारा कमी रहा, जो ये जो है जितना इफेक्ट होना चाहिए नहीं हुआ। हो सकता है अगले साल हो, बट या हो सकता है वॉल्यूम कम हो जो दिलाया गया है, बड़े थोड़े देखने वाली बात है। तो ये एक इशू है। मैं ये बोल रहा था कि सीड बिल एक बनाने का बात तो है, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम सब लोगों का योगदान रखना बहुत जरूरी है। पंचायत स्तर पर हम बोल रहे हैं, पंचायत हमारे वही गवर्नेंस वही से शुरू होता है। पंचायत स्तर पर क्या हम एक ऐसे व्यवस्था कोऑपरेटिव सीड प्रोडक्शन का कर सकते हैं? हम उसका कॉइन किए थे, जो व्यवस्था में बोल रहा था कटक में मैं करा था, उसको सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल सीड सिस्टम, S4, सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल सीड सिस्टम, आत्मनिर्भर सेल, ये बीज का व्यवस्था, किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसान के पास सही समय पर उपलब्ध हो, खुद कराएगा खुद को, सही क्वालिटी का बीज खुद कराएगा खुद को अपने पंचायत में, वो कोई प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी व्यवस्था हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन अपना दुकान बंद करके बैठा रहेगा, जरूरत नहीं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन अगर बोल रही हमारे पास इंडियन डेयर है, कोई इंडियन जरूरत नहीं हो। क्या हम ये व्यवस्था कर नहीं सकते? अगर आपके एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश में और हमारे जो भी एक्सपीरियंस काउंसिल में है, अगर इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का व्यवस्था कर सकते हैं, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट वहां लगाने की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी किसान को, एक ग्रुप बनाने की, प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने, सीड प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने की आवश्यकता होगी, एक स्टोरेज की वहां आवश्यकता होगी, क्वालिटी कंट्रोल की वहां आवश्यकता होगी। लेकिन जो समस्या है उसको अगर सर्टिफिकेशन का वो नहीं मिलेगा परमिशन, तो बेच नहीं सकता। वो सर्टिफिकेशन कहां से होगा? राज्य सरकार की व्यवस्थाएं से होंगी, और वो सर्टिफिकेशन की व्यवस्था में अगर फंसा देंगे उसको, तो अभी उसमें बेच नहीं सकता, तो फिर समस्या वहीं शुरू हो जाएगी। तो ये एक देखने वाली व्यवस्था है कि अगर ये व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं, सिटी विलेज इसलिए फेल हुआ है, तो और इसीलिए ग्रेन मार्केट से खरीद कर किसान को बेच दिया जाता है। ये कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड भी कर दिया जाए, सच है। क्योंकि मैं देखा हूं 5 तरीके के पौधे एक खेत में, 5 तरीके के, उससे ज्यादा भी धान के खेत में मैं देखा, अलग अलग के बीज, उसका क्वालिटी, उसका कलर, अलग अलग हाइट, अलग अलग सब चीज, 5-6 तरीके के बीज। ये अगर ग्रेन मार्केट से आदमी नहीं उठाएगा, तो इस तरह के बीज जो है नहीं जाएगा किसान के।
ये कंट्रोल जो सीड मिल, इसमें कंट्रोल की व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो क्वालिटी का बीज है, और ये अगर किसान सेंट्रिक होगा उत्पादन, तो ये हम बहुत सारे आउटसाइड प्लेयर को आउट कर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। किसान खुद उत्पाद करेंगे, किसान खुद अपना बेचेगा, क्वालिटी अपना मेंटेन करेगा, अपना लोकल लेवल पे जो आवश्यकता है पूरा करेगा। और क्योंकि वो कोऑपरेटिव होगा या जो भी प्रोड्यूसर कंपनी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, खुद का होगा, तो वही सब मिलकर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपना जिम्मेवारी। और ये जो अंकुश लगाने वाली जो सर्टिफिकेशन का व्यवस्था है उसके ऊपर, वो व्यवस्था को सिंप्लीफाई कैसे करा जाए, वो एक देखने वाली बात है। और ताकि वो आपस में अपने बांटने वाली बेचने वाला जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। ये ओपी और उसमें प्योर लाइन में तो बहुत बढ़िया चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट प्लेयर वहां आए कोई बात नहीं, उनके साथ मिलकर कुछ करना है तो कर सकते हैं, तो कर ले। हम ये नहीं चाहते कि प्राइवेट जो है हमारे लिए कोई दुश्मन है, प्राइवेट के साथ हम मिलकर काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वहां कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसान का व्यवस्था बना दे, किसान का, मैं जो बोल रहा हूं, हर पंचायत में प्रोसेसिंग यूनिट एक एक खोल दिया जाए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सारे पैसा दे, और एक बढ़िया बढ़िया स्टोरेज वहां बन जाए, और एक बढ़िया सीड प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए। लेट अस कॉल ऑल दी अप इफ होल कंट्री वांट्स, कॉल ऑल दी टॉप क्लास प्राइवेट पीपल, वो बहुत सारे पैसा है जो अपने खर्च करना भी चाहते हैं, वेदर इट इज विप्रो और वेदर इट इज इंफोसिस और टाटा और जो भी है, सारे खर्च करना चाहते हैं, और बुलाइए उनको। ये जो पहला आवश्यकता है, बीज के वजह से, खाली बीज के वजह से 20% उत्पादकता बढ़ता है, ये तो स्टडी बोलता है। और अच्छे बीज नहीं होगा तो उत्पादकता तो जीरो हो जाए। और मोरसो अब तो हम क्लाइमेट रेसिलिएंट की बात करते हैं, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका सहनशीलता, जो अभी अच्छे अच्छे बीज आ रहा है, वो अच्छे अच्छे बीज को किसान के पास अगर नहीं पहुंचाएंगे तो उत्पादकता तो पूरे नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा ये जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्रीय ये जो जिम्मेवारी है, इसको निभाने के लिए सारे बड़े बड़े जितने उद्योगपति है उनको बुला के बताया जाए कि भाई ये दो भाई पैसा आपका 5%, 10%, 25% जो भी आप खर्च करना चाहते हैं करिए खर्च, इसमें सीड सेक्टर में। और वही किसान का जितना पंचायत है, हर पंचायत में एक बनाइए, साथ बना दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए, क्यों नहीं। हम क्यों किसान ना घूमता फिरेगा, भीख मांगता रहेगा, इधर उधर अच्छे बीज मिलते नहीं है। मैं देखा हमारे पूसा संस्थान में हो, बार दूसरे संस्थान में मैं भी जहां काम किया हूं, किसान भाई पिछले दिन आएंगे, रात भर बैठे रहेंगे, उन्हें लंबे लाइन लगाएंगे अच्छे बीज के लिए, विश्वास है संस्थान के ऊपर। आते हैं कितने दूर दूर से आते हैं, पंजाब के किसान आते हैं। और ऐसे भी हुआ कटक में जब था कि किसान जो है, मतलब एक बार लाठी चलाना पड़ा, दुर्भाग्यवश आपस में झगड़ा करने लगे, वो लाइन में खड़े थे और आपस में झगड़ा करने लगे। तो ये एक व्यवस्था हमें बहुत जरूरत है कि एक सीड बिल बढ़िया से बनना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, छोटा कमेटी हो जाए, उससे ये डिस्कस कर ले और सारे चीज को देख ले और करके उसमें क्या परिवर्तन लाना है, एक फाइनल अगर हम सजेशन सरकार को दे दें इससे होना चाहिए और ये एक्ट के रूप में आ जाए, नहीं तो इस साल तो गया पर अगले साल आ जाए, पर दूसरे गवर्नमेंट के पहले उसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, इसमें ये प्रावधान किया जा सकता है कि ये क्या फार्मर्स का कोऑपरेटिव हो, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन सिस्टम हो, जो पंचायत लेवल पे बना दिया जाए व्यवस्था, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो जो आवश्यकता वो सब वही उपलब्ध करा दिया जाए उसके डोर स्टेप में, ताकि उसको कहीं भागना ना पड़े। और ये कर दिया जाए तो आधा समस्या, आधा से ज्यादा समस्या 75% की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसकी बता नहीं। और प्रशिक्षण देने की जो व्यवस्था है उसको सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, संस्थानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी,
राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो और कोई भी हो, कृषि विज्ञान केंद्र के तहत हो, अदरवाइज हो, इन संस्थान की तरफ हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। राज्य सरकार जिम्मेदारी ले सकता है, उसका जिम्मेदारी बनेगा, उसका काम वही हो, सीड प्रोडक्शन करके बेचना बंद करो, कर नहीं सकते हो, खरीदते हो टेंडर करके, उल्टा सीधा खरीद के बेचते हो, किसान का समस्या और बढ़ाते हो। सीड सेक्टर में अपना ये सब को डिसेंट्रलाइज करके किसान को अपने हाथ में छोड़ देना बहुत जरूरी। और एक दो बातें करूंगा, ये है कि हाइब्रिड में बात किया गया कि किसान को भी बता सकते हैं बनाने के लिए, किसान अगर कहीं जहां भी संभावनाएं बनते हैं कि किसान भी उत्पादन कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, प्रशिक्षण लें। और प्राइवेट कंपनी भी कई कई ये जो हाइब्रिड सीड किसान के खेत में ही उत्पादन कराते हैं, उनको बताते हैं ऐसे करो, प्रशिक्षण देते हैं, कराते हैं, अपना कौन सा इतना खेत है कि सारे अपने खेत में हाइब्रिड सीड बीज उत्पादन के संकर बीज, सारे हाइब्रिड प्राइवेट तो अपने खेत में उत्पादन नहीं करते, वो भी उत्पादन करते हैं। तो उनको अगर प्राइवेट के साथ मिलकर करना है कोई बात नहीं, आप भी उसको प्रशिक्षण दीजिए, उत्पादन कराइए, बेचिए, कोई बात नहीं, वही पंचायत के अंदर उत्पादन करके वो भी व्यवस्था बन सकता है। वहां भी किसान के साथ प्राइवेट का एक समीकरण अगर बन जाए, सरकारी संस्थान, प्राइवेट और किसान का ऑर्गेनाइजेशन तीनों मिलकर कर सकते हैं। अगर कोई आवश्यकता है प्राइवेट को वहां एंगेज करने की, इनको क्या जा सकता है। बात यह है कि प्राइवेट के साथ हाइब्रिड सीड ये लगा हुआ है कई साल से और पब्लिक सिस्टम उतना बढ़िया से उत्पादन नहीं कर पाया है, क्योंकि उसमें काम ज्यादा है और पब्लिक सिस्टम के पास उतने लोग नहीं है कि उसको जाके उतने बड़े पैमाने पर उसको उत्पादन करें और दे, क्योंकि प्राइवेट जो 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 हाइब्रिड से जो उत्पादन होगा वो सीधा किसान के खेत में जाएगा, उसमें आपका प्रजनक बीज तो देते ही है लेकिन ये जो हाइब्रिड बीज है सीधा किसान के खेत में जाएगा, इसमें कोई फाउंडेशन और सर्टिफाइड इस तरह बनाने का नहीं है। तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी का उत्पादन होना है और सीधा उत्पादन करना है किसान के लिए, और वहां देखना भी है कि क्वालिटी का ज्यादा एनालिसिस और जो हमें देखना होता है वही देखना होता है, क्योंकि एक बार गड़बड़ हो गया तो पूरा जो है बीज गड़बड़ हो जाएगा। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में कहीं इधर उधर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो ठीक है, 5-10% जो है कुछ मिक्सर आ जाएगा, कुछ दूसरा आ जाएगा, लेकिन इसमें पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हाइब्रिड के क्षेत्र में, संकर बीज के क्षेत्र में थोड़ा सा ओपन करना सीधा कि किसान कर पाएंगे, ये थोड़ा देखने वाली बात है और इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए इसको और थोड़ा चर्चा करके क्या व्यवस्था बन सकता है। और बात जो मैं करना चाहता था कि क्या हाइब्रिड जो जो प्राइवेट कंपनी है उसका कोई जिम्मेदारी भी तो बनता है, वो भी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ग्लोबली तो उनको भी जिम्मेदारी दिया जाए कुछ कि आपका जिम्मेदारी ये है और ये मानक है और ये सारे आपको इवेल्युएट करा जाएगा और ये कंट्रोल्स है। ये कंट्रोल है नहीं, अभी क्या बीज बिकता है अभी बाजार में उसके ऊपर कंट्रोल किसी का है, जो बात कर रहे थे तो बीज जा रहा है, कॉटन की बात किया जा रहा था, पर कॉटन रेनफेड कॉटन उसमें हाइब्रिड, वो हाइब्रिड में कितना बीज, कितना पैसा और वो जो वैरायटी जिस इलाके के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अब कॉटन के जो ट्रांजेनिक जीएम कॉटन है, बीटी कॉटन है, उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो आईसीआर के हाथ में नहीं रहा। बीटी कॉटन का, जीएम कॉटन का जो रिलीज किया गया दुर्भाग्यवशत आईसीआर के हाथ में नहीं, आईसीआर जो मल्टी लोकेशन टेस्टिंग करके वैरायटी रिलीज करता है या राज्य सरकार फिर दोबारा लेके अपना टेस्टिंग एडाप्टिव टेस्टिंग करते, वो नहीं, वो सीधा
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद वो किसान के पास सीड पहुंचता है, उसका व्यवस्था अब हम लाए हैं अपने पास, वो कंट्रोल शिफ्ट हुआ। अब कोई भी जीएम कॉटन कोई लाएगा किसान के पास लेने के लिए चेष्टा करेगा, सीधा वो नहीं जा सकता, वो आईसीआर को देगा। अब जाके ये 2 साल में प्रयास करके उसको बनाए हैं नया व्यवस्था, अब आएगा टेस्टिंग होगा। अगर कोई रेनफेड एरिया है उस इलाका के लिए कोई हाइब्रिड उसका सुइटेबिलिटी नहीं है और वो बीज जो है वहां बिक रहा है, तो ऑब्वियसली किसान का क्रॉप फेलियर होगा। तो कंट्रोल ही नहीं है और रिलीज का सिस्टम ही नहीं है। तो अब जो नया व्यवस्था बना है उसके तहत ये दोबारा हमारा बाकी जो वैरायटी करते हैं कि भाई ये आंध्र के लिए सुइटेबल है उसी के लिए रिलीज किया जाएगा, वो तेलंगाना के लिए नहीं हो या पंजाब के लिए नहीं हो, जैसे वैरायटी रिलीज होता है। तो ये व्यवस्था बनी है, तो ये व्यवस्था के तहत जो वैरायटी आएंगे, क्योंकि पुराने जो व्यवस्था तो गलतियां थी, तो अब ये थोड़ा सा सुधार होगा। बट फिर भी जिस तरीके से बीज बिकता है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है और वहां क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता है। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम एक जो व्यवस्था अभी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का व्यवस्था बना रहे हैं कि जितने वैरायटी रिलीज होंगे हमारे मल्टी लोकेशन टेस्टिंग के तहत सबका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रहेगा, हमारे पास डेटाबेस बनेगा। बाजार में जो बिक रहा होगा, अब क्या है कौन सा नाम पर रिलीज हुआ, कौन सा नाम पर प्राइवेट कंपनी बेचता है, उसमें कोई तालमेल ही नहीं। तो ये प्राइवेट को हम ब्लेम नहीं कर रहे, सिस्टम नहीं वहां कंट्रोल करने का। तो वो सिस्टम अगर हम बना दें कि जो नाम पर जिस नाम से रिलीज हुआ उसी नाम से बिकेगा और उसी नाम से उसका जो सीड जो मार्केट में जा रहा है, राज्य सरकार का व्यवस्था है उसको टेस्ट करने का नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए और डीएनए का डेटा को, प्रोफाइलिंग का डेटा को इस्तेमाल करते हुए उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई वही बिक रहा। बड़ा काम है तो इसीलिए राज्य सरकार को दिया हुआ है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो कोई सेंट्रल सिस्टम होगा उससे कंट्रोल करेगा और ताकि ये जो है क्वालिटी जो है उसको हम अश्योर कर सकते, वो नहीं है। और उसके तहत बाकी समस्याएं जो है ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगी। तो उपलब्धि, उत्पादन और गुणवत्ता, ये सारे जो बात किया गया, और अगर किसान खुद उत्पादन करेगा ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी ऑटोमेटिक हो जाएगा, पैसा वो खुद निर्धारण करेगा कितने पैसे में बिकेगा। प्राइवेट भी उत्पादन करेगा, हाइब्रिड भी हो, उस क्षेत्र में समस्या ये हुआ है अतीत में खास करके जीएम में प्राइस कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश किया और उससे कुछ जो है कंफ्लिक्ट पैदा हुए। चौधरी साहब बोल रहे थे कि उसमें कोई अहंकार, अज्ञानता, दुर्ता नहीं होना चाहिए और ये दूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम कोई प्राइवेट के साथ बैठकर काम करने के लिए सिद्धांत लेंगे कि ये क्षेत्र में हम प्राइवेट का हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे, तो बैठकर उसको डिसीजन लेने वाली बात है कि ये रहेगा और दोनों को एक्सेप्टेबल करते हुए साझेदारी के साथ आगे बढ़ना। अगर हमें उनका मदद चाहिए, जैसे जीएम के क्षेत्र में पहले बात हो रखा है, आने वाले दिन भी हो सकता है उस तरह की आवश्यकता देश को हो जो अभी हम नहीं सोच रहे की आवश्यकता है। अगर 5 साल 10 साल डाउन द लाइन अगर सोचेंगे कि देश को उस तरह की कुछ आवश्यकता होगी, जीएम कॉटन जैसे अगर होगी, तो उसके लिए बैठकर व्यवस्था बनाना और उसके लिए भी सीड बिल में प्रावधान रखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था उसमें करना, फ्यूचरिस्टिक या
कोई एक कमिटी या कुछ के भविष्य के लिए बनाया जाएगा कि कोई अगर इस तरह की आवश्यकता को कंपेयर करेगा, तुलना करेगा और करते हुए फिर उसको बनाएगा कि क्या आवश्यकता है। सर्टनली किसान के पास पहुंचाने के लिए सही क्वांटिटी का बीज, सही समय पर, सही गुणवत्ता वाला साझेदारी की आवश्यकता। भूसा संस्थान नए किस्म विकास किया गेहूं में 3086 उसको किसान के पास पहुंचाने के लिए वो खुद उतना उत्पादन नहीं कर सकता, वो खाली उत्पादन करेगा प्रजनक बीज ब्रीडर सीड, बाकी देगा किसको, जो इंडेंट करेंगे राज्य सरकार से इंडेंट आएगा नहीं आएगा और कहीं प्राइवेट कंपनी इंडेंट करेगा उनको देगा, उसके साथ जो इंडेंट आया तो आ रहा है तो उसका तो दे रहा है, उसके साथ साथ करीब करीब 200 से ज्यादा होगा अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कितना होगा अभी शर्मा जी पता है कुछ? 600 उसको जो है किसान के साथ हाथ मिलाते हुए उत्पादन कर, और किसान तो उत्पादन कर रहे अपने आप, वो अपना बेच रहा, वो इधर नहीं आ लाते, वो अपने आप बेच रहा। तो ये एक व्यवस्था जो ये बनाया है इसको भी स्टडी करने वाली आवश्यकता है कि किसान अपने आप बनाता है, खुद प्रोड्यूसर है और अपना फार्मर प्रोड्यूसर इंडिविजुअल और कंपनी ये हो सकते ग्रुप में हो सकते, और इसलिए ये साइंटिफिक अप्रोच जो है सीड सेक्टर में जो बात किया गया राजन जी कर रहे थे, इसमें साइंस की एप्लीकेशन की जो आवश्यकता है इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, सब लोग जो यहां उपस्थित हैं सब समझते हैं कि जो नए किस्म आता है जिसमें जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका सहन करने का क्षमता है, वो बीज का इंडेंटी नहीं होता सर, तो वो बीज पहुंचना की आवश्यकता है, तो विज्ञान का तभी तो वो एप्लीकेशन होगा तब जब उसका इंडेंट आएगा। अभी जो नए किस्म आया है सीआर धान 801 का, कोई इस तरह का किस्म आया है उसमें 15 दिन अगर फ्लडिंग हो कंप्लीट सबमर्जेंस हो उसके सहन करने का क्षमता है, उसमें अगर सूखा प्रभावित होता है और काफी दिन तक सूखा रहता है उसमें 3 जीन का ट्रांसफर किया गया है, ब्रीडिंग कहते हैं, कोई ट्रांसजेनिक नहीं है, कोई जीएम नहीं, 4 जीन इसमें इस तरह का और पैदावार अच्छा है, और वो जाते जाते किसान के खेत में जो है 5 साल लगते हैं, तो साइंस को इमीडिएटली किसान के पास पहुंचाने के लिए बीज है, पहुंचाने का अभी जो है उसको त्वरित करने का जो है व्यवस्था बनाने वाली जो वो नहीं जा रहा है। अभी क्या है आप जैसे सुने होंगे अब आएगा ब्रीडर सीड इंडेंट आएगा, फिर ब्रीडर सीड बनेगा, उसके बाद फिर फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद सर्टिफाइड बनेगा, उसके बाद जाके किसान के खेत में जाएगा, 4 साल लगेगा। तो उसको अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं और यह भी एक चर्चा के विषय है कि नए बीज नए वैरायटी जो आता है उसको किस तरीके से किसान के पास जल्दी पहुंचाया जाए और आवश्यक मात्रा में वो नहीं हो रहा पा रहा, अभी नहीं है। और बात रहा कि जो आपातकालीन व्यवस्था जो व्यवस्थाएं हमारे पास क्या है कि सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, चीजें हो गई, तो उसका सामना करने के लिए बीज ही नहीं होता। आप बोलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप चाहिए, ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप का वैरायटी चाहिए, वो सीड ही नहीं होता, सीड उत्पादन हुआ ही नहीं। तो सीड जो आवश्यक है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो होता ही नहीं है, तो सीड बैंक की आवश्यकता होगा ब्लॉक स्तर पर हो जो आपातकालीन व्यवस्था का जो रिक्वायरमेंट होगा उसका पूरा करने के लिए।
तो ये है कि सीड बिल में प्रावधान होना चाहिए कि सीड बैंक ब्लॉक स्तर पर सीएस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो, कैसे भी हो, वो बनाना जरूरी हो सकता है, वो काम में ना आए, वो दो साल तक, तीन साल तक, या ज्यादा से ज्यादा पांच साल तक हम जीरो डिग्री में रख सकते हैं, पांच डिग्री में रख सकते हैं, लेकिन बाद में ब्रेन की तरह यूज हो सकता है। लेकिन ये कि करने की जरूरत है जो व्यवस्था नहीं है हमारे पास, हम बातें करते रहते, वो व्यवस्था नहीं है। और प्लांटिंग मटेरियल, हम तो खाली बीज की बात कर रहे थे, प्लांटिंग मटेरियल हॉर्टिकल्चर का, अब हॉर्टिकल्चर जो है किसान का आमदनी दोगुनी करनी है 2022 तक, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, और दोगुनी करने के लिए आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ध्यान देना होगा। किसान भाई को अगर उसमें 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है और ये धान गेहूं उगाता रहेगा तो उसका आमदनी दोगुनी नहीं हो सकता, तो दोगुनी करने के लिए विविधीकरण के दिशा में जाना पड़ेगा और हॉर्टिकल्चर क्रॉप कुछ फसल जो है बागवानी फसल उगानी पड़ेगी, और हो सकता है दूसरी पशुपालन भी करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या वहां उपलब्ध है, क्या आवश्यक है। हमारा पूरा मॉडल तैयार है और गांव-गांव हर प्रदेश में जाके कई कमेटी बनी है और वो बता रहे हैं। लेकिन अगर बागवानी फसल में हम और उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, उसमें समस्या है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन अच्छे क्वालिटी के उत्पाद के लिए आपको प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता, रोपण सामग्री आवश्यक है, और क्वालिटी रोपण सामग्री मिलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज देश में। व्यवस्था भी नहीं बनी है ठीक से कि प्लांटिंग मटेरियल ढंग से उपलब्ध हो जाए। अगर हम खाली बीज की बात कर रहे हैं, बीज के अंदर इसको भी डालने की आवश्यकता है कि प्लांटिंग मटेरियल कैसे आवश्यक है, और प्लांटिंग मटेरियल आवश्यक कराने के, उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता के मुताबिक हमारे पास जो मदर ब्लॉक से चीजें हैं उसको जो है कहीं बड़े पैमाने पर उसका प्लांटिंग मटेरियल मदर ब्लॉक बना के उसको उगाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, संस्थान की तरफ से दिया जाएगा, राज्य सरकार के व्यवस्थाओं से दिया जाएगा, और ये जो है व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है जो हमारे नहीं है। उसी तरह का जैसे बीज के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसी तरह का यह भी बन सकता है प्लांटिंग मटेरियल उत्पादन के लिए। और इसी तरह का आप देखिए, हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं, अब कहां है डकलिंग, डकरी की बात करेंगे, डकलिंग है कहां, उसका उत्पादन कौन करेगा, बड़े बड़े कमर्शियल पोल्ट्री के लिए उनका अपना व्यवस्था बना दिए और वो अंडे उत्पादन चीजें भी पड़ गया और सीड चल रहा है। बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए वो व्यवस्था जो सीड की जो आवश्यकता है वहां भी सीड की, सिमिलरली फिशरी, पर्याप्त मात्रा में सीड वहां भी उपलब्ध नहीं है, क्वालिटी सीड। तो ये भी हमें जो अभी प्लानिंग हम कर रहे हैं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये जो है हमारे जो प्लानिंग अभी हम भी कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्था ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हो सकता है, लेकिन वहां भी हमें और किसान को एंगेज करके इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन जब सीड एक्ट है उसमें ये सारे सारे चीज नहीं है, उसमें वो सारे चीज उसमें नहीं है। तो ये एक अलग दिशा होगा कि किस तरीके से मछली के बीज उपलब्ध हो ताकि उसका उत्पादकता बढ़े, और पोल्ट्री, पिगरी, डकरी, गोटरी, ये सब में भी जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी आवश्यक है, वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और हमारा लिमिटेशन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको ब्लेम कर सकते हैं, हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा समस्या क्या है, हमारा समस्या यह है शोध संस्थान है, अच्छे बीज वैरायटी निकालता है, अच्छे ब्रीड निकालता है, और उसको कुछ मल्टीप्लिकेशन करता भी है, और किसान को मिनी किट भी देता है, फ्री देता है, कई बार को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसान के खेत में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करता है, थाउजेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, लाखों में भी डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, और
किसान को प्रशिक्षण भी देता है कि ऐसे ऐसे इसको करना है और अवेयरनेस कैंपेन करके प्लान बहुत सारे जो मटेरियल चाहिए उसको लिखित देते हैं और बताते भी हैं करते हैं। पिछले साल जैसे 13-14 लाख किसान को प्रशिक्षण दिए, 13-14 लाख बड़े इसने जहां बोलेंगे कि 12 करोड़ किसान है, 13-14 लाख तो कम, लेकिन हर साल अगर 13-14 लाख किसान को हम प्रशिक्षण देते रहेंगे तो सर्टनली 5 साल के अंदर और ये तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से है, बाकी संस्थाने हैं, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी करता है, यूनिवर्सिटी का हिसाब उसमें नहीं है, यूनिवर्सिटी का भी अलग से चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है पूरे किसान के पास पहुंचने के लिए परिषद के पास व्यवस्था नहीं है और उसके लिए वो उद्दिष्ट भी नहीं है, उसका मैंडेट में नहीं, लेकिन हम ये बोलकर कि मैंडेट में नहीं है कि आपका खाली फ्रंटलाइन एक्सटेंशन करना है, मैंडेट के नहीं, हम नहीं छोड़ रहे, हम सबके साथ नाबार्ड हो, कोई और कोई संस्था हो, किसान संघ भी हो, सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और कर भी रहे, कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। अगर और कहीं हमारा आपके बीच में थोड़ा और डिस्कशन करने के बाद कोई रास्ता मिलता है कि इकट्ठी काम करने का मौका भी मिलेगा, हम खुशी खुशी उसके पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ मिलकर काम भी करेंगे, ऐसे कोई उसमें ना दुविधा है ना द्वंद्व है, कोई दिक्कत ही नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसान के लिए उद्देश्य है समर्पित और ये हम बोलते आए हैं, हर बार 2-2.5 साल से हम हर प्रोग्राम में बोलते हैं और ये किसान के पास कैसे पहुंचेंगे और ये दुगुनी करने के लिए हम करीब करीब हर राज्य में जाके बात करके आ रहे हैं कि किस तरीके से किसान नाम किसान का आमदनी दुगुनी, खाली स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बना के नहीं दिए, बना के हम मंत्री महोदय सारे चीफ मिनिस्टर को दिए, हम सारे चीफ सेक्रेटरी को लिखे हैं और अब जाके राज्य सरकार के साथ मिलकर बात भी कर रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा जिम्मेदारी ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो अल्टीमेटली राज्य सरकार को तो उसमें हाथ बटाना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा और कौन से राज्य सरकार कितना काम करते हैं आगे आते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कितना प्रगति होगा और यही देखने के लिए मिल रहा है। और सर्टनली हम अगर सीड की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें सर्टनली डीएनए प्रोफाइल जैसे मैं बताया वो एक अभिन्न हिस्सा होगा क्वालिटी कंट्रोल, और इसके साथ साथ डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी होगा सारे। अगर डेटाबेस नहीं होगा हमारा तो हम अब प्राइवेट कंपनी क्या बेच रहा है उसका डेटाबेस भी नाम ही नहीं तो आप करोगे क्या, तो उनको भी जो ट्रेड में वो लगा रहे हैं उसका भी नाम और डिटेल्स देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देंगे तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं। और जो बात मैं कर रहा हूं कि सीड जो है हम बाहर से लाते हैं, सीड अक्रॉस बॉर्डर्स, ये बात हम ज्यादातर नहीं करते हैं, बट ये एक मुद्दा अब सामने आया कि मैं अभी गया था नेपाल, नेपाल को हमारे बीज की आवश्यकता है, बांग्लादेश को हमारे बीज की आवश्यकता है और वो भी तैयार है कि बिना टेस्ट किए वहां रिलीज करने के लिए तैयार है और कुछ व्यवस्था भी बना है कि हम जो है उनके वैरायटी हम रिलीज कर सकते हैं, हमारे वैरायटी रिलीज कर सकते हैं और कमर्शियल जो सीड है वो भी प्राइवेट कंपनी अपना ट्रेडिंग कर रही है। जब ट्रेडिंग करते हैं वो वहां से लाते हैं यहां उगाने के लिए, वहां से जाता है वहां उगाने के लिए और वहां किस तरीके से क्वारंटाइन का व्यवस्था है, क्योंकि हमें अभी ये बड़ी समस्या आ रहा है कि जो बीमारी और कीड़े दूसरे देश का जो यहां आके पहुंच रहे हैं और हमारे देश में और कहीं भी जाते होंगे, तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हम बात करते रहते हैं और नेपाल बोल रहा है कि आपके जो है जितने वेजिटेबल हमारे यहां आता है उसमें जो है पेस्टिसाइड भरा हुआ रहता है, मैं बोला आप रिजेक्ट कर दीजिए पेस्टिसाइड है तो, लेकिन हमें भी उसको देखना पड़ेगा जो बीज हमारे यहां आ रहा है
तो वो कैसे हम बोलेंगे कि हर एयरपोर्ट में हर पोर्ट में इसका सब व्यवस्था है, लेकिन कैसे आ रहे हैं फिर इंसेक्ट? फॉल आर्मी वार्म आ गया, बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़े होगी। नए नए बीमारी आ रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉर बनाना में आ गया, बनाना व्हीट, कई कई बीमारी आ रहे हैं, तो हम झेल रहे हैं उसको। फिर अब सारे व्यवस्था बनाओ, शोध करो, चीजें करो, यहां क्वारंटाइन करो, ये करो, वो करो, सब चल रहा है। तो ये जो हम ला रहे हैं वहां भी ये जो सीट बिल होगा उसमें भी इसके बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, और उसको चर्चा करते हुए उसके प्रोविजन भी रखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल करेंगे, और बढ़िया से कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक तो जो आ रहा है प्राइवेट ला रहे हैं या गवर्नमेंट ला रहा है, जो भी है सीधे आ रहा है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पोरस है, वो पोरस बॉर्डर होने के नाते वहां कोई कंट्रोल ही नहीं है, और किसान जाते हैं लाते हैं ले आते हैं ले आते हैं, तो वो भी एक इश्यू है। जो किस तरीके से अभी जो है, आपको मैं उदाहरण दूंगा तो सारा समय हो चुका है और कई बातें हैं, सारे बात तो हो नहीं सकता। अब एक वीट में गेहूं में एक नया बीमारी आ गया ब्लास्ट करके, वो राइस में लगता था, अब वीट में लग गया। और बांग्लादेश में जो है कई हजार हेक्टर में ये पाया गया, और उसको पूरा फसल को जो है खत्म करना पड़ा उसके चलते। और हमारे बॉर्डर एरिया में ना आए उसके लिए अभी जो है गेहूं उगाना हम बंद किए राज्य सरकार के मदद से, और जो पहली बार लगा था उसको उखाड़ के कई जगह जलाया गया, अभी ऐसे किसान तैयार नहीं हुए। और वहां जो नहीं लगा पा रहे उनके समस्या भी है, और क्या लगाएं, कैसे लगाएं, वहां सर्वेलेंस कैसे हो, तो बॉर्डर एरिया सर्वेलेंस, बॉर्डर एरिया में सर्वेलेंस इतना जरूरी है। और वहां किसान भी, उनको भी प्रशिक्षण देना, अवेयरनेस क्रिएट करना है, और जो हम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता ही जरूर। अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये समस्या आते रहेंगे। और बड़ी बात यह है उस इलाका में हमारा जो रिसर्च के तहत जो अच्छे क्वालिटी का जो बीज जिसमें सहनशीलता ब्लास्ट रेजिस्टेंस है, उस तरह के वैरायटी का वहां उगाना जरूरी है, उसको वहां प्रोत्साहन देना जरूरी है। सो ये जो रिकमेंडेशन है वहां इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता। तो ये सामूहिक रूप से अगर हमारे जिम्मेदारी बने और एक साथ 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 मिलकर काम करें, साझेदारी रहे, मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं रहेगा बीज की क्षेत्र में। किसान का जो समस्या बताया गया जरूर उसमें समस्या है, और हमारा प्रयास है, परिषद की तरफ से प्रयास तो जारी है, लेकिन बहुत बड़ा देश है, किसान बड़े मात्रा में है और विविधता बहुत ज्यादा है, प्रगति हम किए हैं, इसको कोई बाकी देश जो आते हैं वो ये बताने आते हैं कि साहब हमें थोड़ा मदद कर दो, क्यों हमारा जो सफलता है वो सफलता उदाहरण है पूरे विश्व के। तो हम उतना पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि समस्या को जो किसान झेल रहा है उसको नजरअंदाज कर दिया गया, वो समस्या का हल तो होना चाहिए, और उस दिशा में विशेष करके बीज के क्षेत्र में जो समस्या है उसका निदान हमें ढूंढना होगा, और किस तरीके से सुधार सकते हैं, मिलकर काम करते हैं, और हम आपके पूरा साथ हैं, राव साहब, चौधरी साहब, और हमारा स्वभाव भी ऐसे ही है, आप कभी भी आए कभी भी, और हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे, और कहीं कुछ और कहीं हाथ इकट्ठे मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण हो, पैसा भी हो, हमारे जो सिस्टम है उसमें से जितना संभव हो, और विश्वविद्यालय सारे साथ है, सारे विश्वविद्यालय साथ है, और जो नए मॉडल है उसको रेप्लिकेट कैसे करें। तो ये मेरा यही रहेगा सुझाव, और मैं तो ये आशा करके ये समाप्त करूंगा कि पहले तो बधाई दूंगा कि आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। इनफैक्ट बीज के ऊपर हमारी चर्चा चल रहा है, हम एक अभी एक इंफाल में
एक इस तरह का शिविर आयोजन किए की चर्चा करेंगे, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में बीज का उपलब्धि नहीं हो पा रहा, वहां समस्या काफी है। तो जैसे मैं बता रहा था स्टेट वाइज रीजन वाइज काफी डिस्पैरिटी है। तो वहां मैं गया था तो एक नागालैंड के चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि भाई हमारा तो राइस हम खाते हैं और वहां राइस ही उत्पादन नहीं हो पाता, तो बीज नहीं मिलता अच्छे क्वालिटी के। तो इसी तरह का बाकी प्रदेश में भी, आसाम में अच्छे प्रगति हुई है बट बाकी प्रदेश में समस्या है। वहाँ एक हम फरवरी में एक चर्चा कर रहे हैं करके, इसी तरह का हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके साथ मिलकर हो पाएगा बहुत खुशी की बात होगी कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और खास करके बिल के लिए जो करना है वो मिलकर कर सकते हैं। और जो भी हमसे ऐसे कार्यक्रम में किसान संघ एग्रो इकोनॉमिक को बुला देंगे आपके लिए, जो कार्यक्रम हमारे नॉर्थ ईस्ट में है तो हम आपको इनवाइट करेंगे, तो आप आ जाए, तो कोई भी जो भी आप चाहें तो हम इनवाइट करेंगे, तो वहां भी चर्चा कर लेंगे वहां बैठ के कि खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हैं उसका हम कैसे कर सकते हैं। और प्लांटिंग मटेरियल वहां एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हॉर्टिकल्चर का इसका हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रहा है, तो प्लांटिंग मटेरियल की समस्या है तो उसका कैसे उपलब्धि हो। और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस तो और एक अलग किस्सा है, तो उसको अलग से कभी बात करेंगे। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि हम आईसीआर को हम आप साथ मिलाकर साथ लेकर काम कर रहे हैं, किए आयोजन इसका आयोजन किए, और राजन जी कहीं बाहर गए उनको भी धन्यवाद देते हैं, वो भी आयोजक हैं, और आपको उनका भी साथ, आपके साथ डिस्कशन करते हुए इसका शुरुआत हुआ और अच्छा चर्चा हो गया। और किसान भाई सबको, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं बहुत बड़ी बात है। और मेरे जो बात कर रहा था कि किसान को कोई ब्लेम करने की बात नहीं है, और लेकिन किसान भाई के पास जो मैसेज पहुंचना है अर्थात पहुंच नहीं पाता है, तो पूरा कोशिश करेंगे कि आपके पास किस तरीके से पहुंचे। तो आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए समाप्त करते हैं यहीं, और प्रयास जारी रहे। धन्यवाद सर। समापन के सत्र के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमारे विशेष अतिथि का आपने उद्बोधन सुना है कि सत्य कटकटु भी होता है, लेकिन सबको साथ लेके चलना और उसके लिए समाधान करना और सबको समझे ऐसे बातों में उसको उद्बोधन होना चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लोचन जी महापात्रा ने हमारे साथ जो किया है, गीता में एक 17वें अध्याय में वाचिक तपश्चर्या का उदाहरण है कि अनुद्वेग क्रम वाक्य सत्यम प्रियहितं चेत स्वाध्याय अभ्यासं चैव वाङ्मयं तपो उच्यते। अगर आप धरती से जुड़ के अगर आप कार्य में सम्मिलित हो तो वाणी की तपश्चर्या से आप बहुत अच्छी तरह से अपना मैसेज दे पाते, उसका उदाहरण सर ने हमारे सामने दिया और हमारी इसको आग्रह को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ आज उपस्थित हुए, इसलिए हम आयोजकों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं सर। कार्यक्रम के आयोजन में धन की विशेषता होती है और शतेषु जायतेषु रहा सहस्रेषु च पंडिता, 100 में से एक वक्ता होता है, 10,000 में से एखादा कोई योद्धा बन जाता है, लेकिन दाता भवति वा न वा, पैसा कोई देगा इसकी संभावना नहीं है। और हमने जब श्री सुनील रायसोनी जी को अप्रोच किया था तो उन्होंने विदिन अ सेकंड एक्सेप्ट कर लिया था, और इसलिए और जो कुछ मात्रा बची थी वो हमारे डॉक्टर केपी सिंह जो वाइस चांसलर है एशिया यूनिवर्सिटी की, उन्होंने पूरी कर दी और बहुत बड़ा हमारा बाल हल्का हो गया। तो मैं दोनों के प्रति अपनी आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को टेक्निकली साउंड करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर एस के राव, डॉक्टर यूएस शर्मा, डॉक्टर एन सी गौतम, डॉक्टर रमेश यादव ऐसे कुलपति और कुछ कमीशन के चेयरमैन भी हमारे बीच मौजूद रहे। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सेहराव डायरेक्टर रिसर्च एचएयू, जिन्होंने आज थोड़ी देर से है लेकिन ये कार्यक्रम सम्मिलित करने के लिए और उनका जो योगदान रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा कल मिनिस्ट्री से कुछ अच्छे वक्ता भी आए थे, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा आए थे, सीड कॉरपोरेशन से डॉक्टर गौड़ आए थे, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान इसमें रहा, इन सब का भी आयोजक से धन्यवाद। और आपने किसान भाइयों ने जो अपना बढ़ चढ़ कर भाग दिया क्योंकि आपके इनपुट्स के माध्यम से ये रिपोर्ट बनेगी, इसलिए मैं आप सभी को आयोजक से धन्यवाद देता हूँ।
कार्यक्रम समाप्त की घोषणा करता हूँ और आप सबको नीचे भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ।